हेलो अगेन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मिरेकल में सैलरी पर लागू टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीडीएस एडवांस सैलरी की एंट्री मिरेकल में कैसे होती है। नोट दैट अंडर सेक्शन 192 एम्प्लॉयर द्वारा सैलरी के एक्चुअल पेमेंट के टाइम टीडीएस काटा जाता है, चाहे वह पेमेंट एडवांस में किया हो या समय पर या लेट पेमेंट हो। न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए ये है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी पे करनी है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं और उस पर लागू टीडीएस का एडवांस पेमेंट कैसे करते हैं। मान लो कि हम विनेश खुट को इस मंथ की सैलरी 80,000 का एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रोसेस। गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप और टीडीएस टीसीएस सेटअप में जाए। यहाँ टीडीएस डिटेल में टीडीएस सैलरी का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में यस सेट करें। प्रेस एस्केप टू सेव द चेंजेस। यहाँ पर हमने टीडीएस एडवांस सैलरी को रिलेटेड तीन लेजर्स पहले से ही ऐड कर लिए हैं, जो है एम्प्लॉय अकाउंट जिसको सैलरी पे होगी, टीडीएस सैलरी अकाउंट और सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। चलिए अब एक जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पर रेगुलर टीडीएस सैलरी की तरह ही जर्नल एंट्री पास करनी होगी। गो टू ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री, क्लिक ऑन बैंक पेमेंट। वाउचर टाइप में बैंक पेमेंट सिलेक्ट करें। टैक्स टाइप में टीडीएस एडवांस सैलरी पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। वाउचर डेट एंटर करें। क्रेडिट में बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें जिसमें से सैलरी क्रेडिट होगी। नेक्स्ट क्रेडिट अमाउंट एंटर करें 80K। डेबिट में एम्प्लॉय अकाउंट सिलेक्ट करें जिसको सैलरी पे कर रहे हैं। बाद में टीडीएस कैलकुलेशन की विंडो ओपन होगी। यहाँ टीडीएस सैलरी अकाउंट सिलेक्ट करें। एसेसिबल अमाउंट भी ऐड हो गई है। न्यू इनकम टैक्स रिजाइम के अंतर्गत लागू होता टीडीएस परसेंटेज दाखिल करते ही टोटल टीडीएस डिडक्टेड अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। देन ओके पर क्लिक करें। ये एंट्री अपने आप हो जाएगी। टीडीएस डिडक्शन के बाद एम्प्लॉय को मिलती नेट सैलरी देख सकते हैं, साथ ही टोटल पेएबल टीडीएस अमाउंट टीडीएस सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई भी देख सकते हैं। अब एंट्री को सेव कर ले। ये हमने एडवांस सैलरी का पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट टीडीएस सैलरी हवाला लिस्ट में जाए। टीडीएस अमाउंट यहाँ पेंडिंग एडवांस टीडीएस अमाउंट में शो हो रही है, क्योंकि अभी टीडीएस एडजस्ट करना बाकी है। तो ये अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री करेंगे। गो टू ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री, क्लिक ऑन जर्नल एंट्री। यहाँ टेक्स्ट टाइप में नन सिलेक्ट करें। क्रेडिट में एम्प्लॉय अकाउंट सिलेक्ट करें। क्रेडिट सैलरी अमाउंट एंटर करें। तुरंत ही एडवांस सैलरी पेमेंट एडजस्टमेंट की विंडो ओपन होगी। एंटर प्रेस करके एडजस्टेड अमाउंट एंटर करें और यहाँ एडजस्टेड टीडीएस में सैलरी पर लागू टीडीएस अपने आप दाखिल हो जाएगा। नेक्स्ट डेबिट में सैलरी एक्सपेंस अकाउंट सिलेक्ट करें। डेबिट में अमाउंट ऑटोमेटिकली एड हो जाएगी। एंट्री को सेव कर ले। अब एम्प्लॉय के अकाउंट लेजर में देख सकते हैं कि अमाउंट क्रेडिट हो गई है। नेक्स्ट टीडीएस सैलरी हवाला लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि अमाउंट टोटल टीडीएस एडजस्टेड कॉलम में शो हो रही है। अब टीडीएस सैलरी रिपोर्ट देखते हैं। गो टू रिपोर्ट, टीडीएस सैलरी, टीडीएस सैलरी रिपोर्ट में जाए। यहाँ सैलरी में से डिडक्टेड टीडीएस अमाउंट देख सकते हैं। बाकी प्रोसेस रेगुलर टीडीएस सैलरी ऑप्शन की तरह ही रहेगी। इसके रिगार्डिंग और जानकारी के लिए टीडीएस सैलरी की वीडियो जरूर देखें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।